चलिए थ्री काउंटडाउन स्टार्ट। यस सर। मिल गया भाई। क्या बात है। क्या बात है। एमडी सर 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 चलो सेकंड आ गए हमारे पास। डन डन सर। और अनदर डन। किसी को डन किया पढ़ना ना एक बार ऐसा करके चिल्ला जो अपने पहला एंड्राइड का सीपीयू कंपटीशन करवा रहा है ले जाओ। ये होगा आपका, इसको हम बोलेंगे सुपर 10। अभी हमने जितने भी थे हमारे टोटल स्टूडेंट 25, इसके अंदर हमने टोटल 10 स्टूडेंट निकालने थे और जो आज हमने निकाल लिए। अब सुपर 10 बच्चों में मेन कॉम्पिटिशन होगा 19 तारीख को। डन। चलो सेकंड आ गए हमारे पास। आज आज सीपीयू डे का राउंड वन था। हेलो कौन कौन पार्टिसिपेट था यहाँ पर आज करेगा बताओ। कौन कौन था यहाँ पर पूरे दिखाओ जरा आज खड़े रखो भाई। कौन कौन था पूरे पीछे तक दिखाओ। सब लोग थे कैसे कोई एक ऐसा तो नहीं जिसको हमने नहीं बिठाया यहाँ पर। हेलो ठीक है। अब मुझे बताओ वो 10 लोग जो आगे राउंड 2 में जाएंगे फाइनल खेलेंगे वो कौन है जो पहले 10 आए। हेलो ये बार 10 लोग अगले ताली बजा दो भैया और बाकी सभी लोग यहाँ से सीपीयू लगा के ही जाएंगे। हेलो करते हुए हम सबसे पहले अपने जो भी विनर है एक एक करके उसका नाम लेते हैं और उनको एक तरह से उनका स्वागत करते हैं उसके साथ एक पूरा सामूहिक तरीके से हम केक काटेंगे क्योंकि हमारा अभी तक इंडिया की हिस्ट्री में एंड्रॉइड में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है आज तक के। आपने सुना ही कहीं पे। हेलो भाई यहाँ पे दिल्ली से है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से पढ़ के भी आए पर किसी ने सुना नहीं कि सर एंड्रॉइड में किसी ने सीपीयू कॉम्पिटिशन करवाया। हेलो वो भी उन बच्चों से जो अपनी हैंड स्किल सीखने आए थे यहाँ पर उन बच्चों से जिनके पास में आधों से ज्यादा तो माइक्रोस्कोप नहीं थे हमने उनसे सीपीयू करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात उस एक से लेकर 10 में टोटल जो सुपर 10 है ना उसमें जो एक बच्चा आया है वो कमाल है। वो बच्चे का नाम मैं लूंगा। हेलो इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। सागर। सागर भले ही 10वें नंबर पे है पर मेरे लिए ये पहले नंबर पे है। हेलो बोलूंगा बच्चे एकदम फ्रेशर आज तक इन्होंने माइक्रोस्कोप यूज नहीं किए थे। यहाँ पे आप देखें 30 मिनट के अंदर सीपीयू लगा के फोन को चालू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और ये लोगों के लिए तो ये ऐसा चीज है जो एक मोटिवेट मिला इन लोगों को जो अंदर से कि मैं कर सकता हूँ और बाकी सब भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है। और हमने किया और सब में किया करके बैठे हुए सब में ऑलरेडी करके बैठे हैं। हो सकता है 30 मिनट में नहीं हुआ है उनके लिए 45 मिनट। अच्छा ये बताइए 5-5 बार कितने सीपीयू लगाया यहाँ पर सबने लगाया। यस सर 5-5 बार सीपीयू लगा के बैठे हुए यहाँ पर समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहिए। सागर तुम बताओ अब तुम्हारी जर्नी बताओ तुम क्या पहले क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं जो इंडिया में लोग देख रहे हैं कि यार आप कहीं ऐसे तो नहीं कि ऑलरेडी काम कर रहे हो बहुत अच्छा सीपीयू डुअल लेकर करके आ रहे हो हमसे तो सिर्फ सर्किट सीखने आए हो थोड़ा बताओ। मैं एक प्रेशर हूँ मैं एक शॉप पे काम करता था मेरी ज्यादा इनकम भी नहीं थी लेकिन मैं वहाँ पर काम देखता था मैं नॉर्मली फोल्डर वगैरह लाना करना का काम करता था। मैंने अभी तक SMD वगैरह नॉर्मली फोन खोलना पैक करने करता था
बाकी कोई कुछ भी नॉलेज नहीं था मुझे, ना आईसी का, ना एसएमडी का, ना किसी स्टेंसिल वगैरह कैसे रिवॉल्व करते हैं आईसी को, कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पर आज जब आया, फ्रेशर होके आया था, आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे फॉल्ट फाइंड कर सकता हूँ। सागर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, सीपीयू हैंडल स्किल अब कैसी हो गई है, ये बताओ। बढ़िया सर, कोई भी सीपीयू दे दीजिए, आधे घंटे के अंदर सीपीयू रिवॉल्व हो जाए। तो सागर, इससे पैसे की मैं बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी ये बताओ, इनकम में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल। चलो, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन सागर के लिए, एक बार जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगा इस कॉम्पिटिशन से पहले नंबर के विजेता, और वो है कौशिक, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भैया। लाओ एक, लाओ माला, लाओ एक। तो ये टोटल 25 बच्चों में सबसे पहला बच्चा है जिसने सीपीयू लगाया, एक बार जोरदार ताली फिर से। बताओ तुम्हारी क्या करनी है अभी तक की यहाँ पर? सर, मैं तो पहले फोल्डर वगैरह लगाता था, चार्जिंग पिन, माइक, ऐसे टेलीकॉम जब आया था तो नाट खोलना, पैकिंग करना आता था। यहाँ पर आके सीपीयू का, आईसी का, कंपोनेंट का बहुत अच्छा नॉलेज मिला। देव सर थ्योरी बहुत अच्छा नॉलेज दिया, एमडी सर प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा नॉलेज दिया। सर, बेंगोली में एक बात बोलना चाहती हूँ। बेंगल से, बेंगल थी क्या, उन्हें फोन करते তারা যদি আসতে চাও আসতে পারো, পয়সা ওয়েস্ট হবে না। যদি কেউ এই মাসে আসতে পারো আমার জন্য তাদেরকে 45,000 টাকা অ্যাডমিশন দিয়ে দেবে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট। সেকেন্ড নাম্বার পে আ রে রাজবি, আও ভাই রাজবি, আ যাও ভাই, আইয়ে বিচ মে আইয়ে, লাইয়ে বিলন্দর। मैं सर डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से राजवीर, और सर शॉप पे जैसे बेसिक काम करते थे पहले, कुछ ऐसा करते नहीं थे आईसी वाईसी का ज़्यादा हाई लेवल का। तो यहाँ जैसे ही आए तो हमें तो मतलब एक आश्चर्य ऐसा हुआ कि सेकंड डे ही एमडी सर ने हमें सीपीयू रिवॉल्व करवा दिया, पावर भी करवा दिया, तो मतलब बहुत हैंड स्किल भी अच्छी हुई है। तो अब जाके देखो सर, काम और ये के काम करेंगे। कंपटीशन के बारे में सोचा था क्या? नो सर, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आए, सेकंड नंबर पे सोचा भी नहीं था भी सीपीयू कंपटीशन है। इतनी मतलब स्किल इतनी अच्छी हो गई है कि हमने 20 मिनट में लगभग सीपीयू रिवॉल्व करके लगा दिया। तो ईसा टेलीकॉम जो कहता है कि यहां के टीचरों का नॉलेज वाकई में वैसा है जो एक बच्चे को लायक बना सकता है मार्केट में काम करने के लिए, और वाकई में ईसा टेलीकॉम में पैसा वसूल कोर्स है? बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ चाहे फ्रेशर हो चाहे ऑलरेडी बंदा कोई काम कर रहा है, अगर आईसी लेवल पे, चिप लेवल पे बेसिक नॉलेज नहीं है तो सर कुछ नहीं कर सकता। तो बेझिझक यहाँ पे आए, पैसा वसूल, एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। दुनिया भर में सारे इंस्टीट्यूट थ्योरी सब पढ़ा रहे हैं, थ्योरी एक ऐसी चीज है जो हर तीसरा आदमी पढ़ा सकता है ना। सामने 100 लोगों को बिठाकर आप 10 घंटे भी बोल सकते हो, पर एक साथ उन बच्चों के जिनने का माइक्रोस्कोप नहीं है, जिन्होंने कहीं सीपीयू आईसी पे काम नहीं किया, उनसे तुम सीपीयू का काम करवा रहे हो चौथे दिन, वो भी गारंटी में ताल ठोक के, तो ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं बात है, बताओ? ये पूरे हिंदुस्तान में कोई कर सकता है, आपने कहीं सुना है ऐसा? ये तो सर अनबिलीवेबल है, जैसे मुझे सम्मान दिया गया। वैसे तो मैं ये कहता हूँ हम इस लायक नहीं है, इस लायक तो हमारे एशिया टेलीकॉम है, इससे भी ऊपर है, भी उनका जितना किया जाए कम है। वैसे तो ये माला में वैसे तो एमडी सर को या देव सर को पहनानी चाहिए थी हम लोगों को भी, हमें इस लायक बनाया यहाँ आने के बाद। चलो तीसरे नंबर पे अजीज आओ, कौन है टर्न? अरे सर इधर आओ, मिलन सर लाइए। अबे खोल खोल निकाल लेना यार, सारी मालाओं को पहले छाट लो यार, उसमें है ना, हाँ सुलझा लो। चलो भाई अजीत, प्लीज बताओ कि वाकई में सीपीयू कंपटीशन करने आया था, सोचा था क्या तुमने? सर, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पे मैं आ जाऊंगा, ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच भी सकता होती कि ऐसे कि सीपीयू का मेरा इतना सारा नॉलेज होगा। मेरे को पता नहीं था कि आज कंपटीशन भी होने वाला है और उसमें मैं हिस्सा भी लेने वाली हूँ, और मैं 1 से 10 में
पार्टिसिपेट के इवेंट में तीन नंबर पे आने वाला हूँ। तो ये मेरे को एशिया टेलीकॉम से काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला है और मैं सारे वेस्ट बंगाल या सारे भारतीय वासी को सबको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जरूर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें, इधर नॉलेज की कोई कमी नहीं है और आप लोग एशिया टेलीकॉम के एमडी सर और थियोरिकल जो नॉलेज देते हैं हम लोग को दीप सर के लिए काफ़ी धन्यवाद मेरे तरफ से। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। इसमें 25 लोगों में जहां पर ये हमें पता नहीं कि किसकी हैंड स्किल कैसी होगी या कौन क्या काम कर रहा होगा और आप चौथे नंबर पे आओगे? नहीं अभी तो क्या बोले भाई, इतना जो हुआ है जो भी हो सबने तो बता दिया। अभी जो मैं हूँ अभी एशिया के एशिया टेलीकॉम के जो भी शहर है उनके वजह से है। अभी थ्योरी क्लास में देव सर ने जो भी पढ़ाया उसमें माइंड में घुसाया और उसके पास जो एमडी सर है बहुत अच्छा नॉलेज दिया, प्रैक्टिकल में बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, सब तो बोल दिया था। मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, देखो एक इंस्टीट्यूट है ना 10,000 होते हैं यहाँ पर, हर टाइप के हर मोहल्ले में एक इंस्टीट्यूट है। पर क्या है ना, किसी के जैसे फ्रेशर होता है ना तो एक टीचर में डर होता है और वो डर है कि भाई उसको थ्योरी सिखा दो और प्रैक्टिकल के बारे में उसको ये बोलते रहो कि हमें 5 साल लगे तो मैं भी 5 साल लगेंगे, ये डालो। हर एक इंस्टीट्यूट में वो टीचर बोलते हैं जहां प्रैक्टिकल नाम मात्र के बराबर होता है। हेलो, मतलब आपके सामने बैठकर हम आपके 4 मोबाइल तो बता देंगे क्योंकि हमारे को 10 साल का नॉलेज है और हमें पता है वो एक्चुअल फॉल्ट है भी कहां से, तो ये हमारे लिए है। बट क्या फॉल्ट देखकर सीखा जा सकता है क्या, जल्दी बताओ। हेलो, तो ये करके सीखा जा सकता है, समझ में आ रहा है मेरी बात? और फॉल्ट वही बना सकता है जिसमें 15 मिनट के अंदर सीपीयू निकाल कर लगाकर वापस ऑन करने की काबिलियत हो। हेलो, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई वापस। थैंक यू। अब हमारे पास 5 नंबर पे सलमान आओ भाई तालियां। सलमान बताइए क्या रहा आपका जर्नी यहाँ? सर पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करूंगा कि मुझे यहाँ तक का सफर मिला और एशिया टेलीकॉम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म दिया आगे बढ़ने के लिए जी। क्योंकि मुझको नॉलेज तो थी पर इतनी नहीं थी कि मैं सीपी कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकूं। बाकी मैं करता था जो भी टाइम पास के लिए, रोजी रोटी के लिए, पर एमडी सर ने और देवरतन सर ने हमको इतना अच्छा इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान के अंदर जो बनाया है इसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हम इसको ज्वाइन किया और हमें ये सीपी कॉम्पिटिशन खेलने का मौका मिला। वरना हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे, वो भी मोबाइल लाइन में जिसको लोग बुरा भला भी कहने लगे हैं आजकल। पर ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर इस पर कोई चलना चाहे तो इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है। और बाकी इसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है क्यों सब बच्चों के। मैं जानना चाहूंगा सलमान एक बात बार बताओ, तुम ऑलरेडी एक इंडिया में इंस्टीट्यूट का कल्चर देखकर आए हो। हेलो, और मैं ये नहीं पूछूंगा कहां से किधर से किस सिटी से, बस कल्चर देखकर आए हो, तुम जानकर आए हो कि एक इंस्टीट्यूट बाहर के जो दूसरे बाहर के शहर है वो कैसा पढ़ा रहे हैं उसके मुकाबले एशिया टेलीकॉम कैसा है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। सर इसका कोई तोड़ नहीं है बिल्कुल भी, इसको लिए सब नहीं मेरे पास, ये बिल्कुल हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है और क्या बोलूं उसके बारे में समझ नहीं मेरे पास। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अगले हैं सुमित आओ भाई। मिलन सर प्लीज इनका आप स्वागत करो, सुमित का भाई तालियां हो जाए। सुमित बताइए सीपी कॉम्पिटिशन कैसा लगा? सर हम फर्स्ट दिन आए थे तभी हमको मालूम ही नहीं था, पहले मालूम ही नहीं था कि हमको हैंड स्किल वगैरह क्या रहता है क्या अच्छा। रहता है तो वहाँ पर माइक्रोस्कोप था, फर्स्ट दिन ही हमको सिखाया कि यानी आईसीडी बॉलिंग क्या रहता है। तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप था? नहीं माइक्रोस्कोप में मतलब तुमने कभी काम ही नहीं किया? नहीं किया, एसएमडी वाला माइक्रोस्कोप वाला काम नहीं किया, डिस्प्ले वगैरह ऐसे बिठा देते नॉर्मल। तो तुम तो 6वें नंबर पे आए हो सर, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? बहुत ही बढ़िया लगता है, यानी एमडी सर ने भी बहुत स्किल बढ़िया दिया, देव सर ने भी दिया स्किल और
सभी ने बहुत ही कॉपरेट किया हमको। ये एक इंस्टीट्यूट में आकर वाकई में लाइफ चेंज हो गई बताओ? यस सर बहुत अच्छा लगा। एक मतलब फॉर्चुनेट फील करते हो कि कहीं और चले जाते तो शायद आप आज भी एक आईसी रिबोली कर रहे होते अब तक बैठकर और सिर्फ थ्योरी के दाम पर बस क्लासे चल रही होती। नहीं नहीं, यहाँ सब प्रैक्टिकल कराया जाता है। नहीं, एक फॉर्चुनेट मतलब एक होता ना कि यार मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। हाँ। कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं यहाँ आया। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये कौन कौन मानता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसा टेलीकॉम आया? हेलो, कौन कौन मानता है? कौन कौन मानता है? थैंक यू वेरी मच। उसके बाद है हमारे मस्तकी, क्या नाम है भाई इनका? आ जाओ भाई मस्तकी, आओ 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 भाई, इनका स्वागत करो मिलन सर। जानना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है और अभी आप राउंड टू में जाने वाले हो सकता है आप एक माइनस को भी जीत लो, हो सकता है, पर मैं जीत हार में बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूं कंपटीशन पूरा करना बहुत जरूरी है। कैसा लग रहा है बताइए सर? मैंने लाइफ में कभी माइक्रोस्कोप देखा तक का नहीं ना, मैंने लाइफ में कुछ मैंने पहली बार ये किया जी। आज पहली बार मैंने माइक्रोस्कोप यूज किया, एसएमडी मैंने कभी चलाया नहीं था। थैंक यू सो, थैंक यू एमडी सर को जो मैंने यहाँ पे आईसी रिबोलिंग कंपटीशन में भाग लिया और मैंने किया सर। क्या आईसी रिबोलिंग या सीपीयू रिमाउंटिंग? सीपीयू रिमाउंटिंग मैंने कभी आज तक हाथ तक का नहीं लगाया था। फर्स्ट टाइम एशिया टेलीकॉम में मैंने फर्स्ट टाइम आईसी रिबोलिंग पे काम किया। एक बार जोरदार ताली बजा दो। किसी भी इंस्टीट्यूट में ना तो आपको एक बहुत बड़ा डायलॉग मिलता है कि साहब तुमको थोड़ा अभी 2-1 साल लगेगा काम करने में, थोड़ा घर जाओ डेड फोन पे काम करो पहले। हेलो सर, एक पहले दिन से आप डेली चालू फोन पे काम कर रहे हो है ना, यहाँ पर यही ऐसा टेलीकॉम की खासियत है। मैं अगला बुलाना चाहूंगा यहाँ पर सौरभ भाई, आइए प्लीज। जोरदार ताली बजाओ भाई सौरभ के लिए, भाई मिलन से स्वागत करो सौरभ का। गोपाल संभाग के विदिशा डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी, और मैं पहले आईसी का काम नहीं जानता था। मैं पहली बार यहाँ पे आईसी का काम सीखने आया। इससे पहले भी मैंने आपसे बात कही थी लेकिन उस टाइम मुझे समय नहीं मिल पाया या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे जैसे मैं यहाँ पे आया, जब मैं पहली बार आईसी बनाई मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं एमडी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने हमें ये तकनीक सिखाई। और सबसे पहली बात तो देव सर की थ्योरी, देव सर की थ्योरी अल्टीमेट है। थैंक यू, उनके आगे कोई भी नहीं है मैं कहूँगा थ्योरी में। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक मतलब जैसा पहले दिन याद है आपको, जब मैं मिला था तो मैंने आपको एक ट्रस्ट एक विश्वास दिलाया था। हेलो मैंने आपकी उम्मीदों को जगाया था आपके डर को भगाने के लिए। हेलो कि चौथे दिन लाइव टीवी लगाओगे? हेलो कि नहीं तो नहीं लगाए तो कपड़े उतार दूंगा? हेलो वैसे ही मैं आपको एक डर भगाऊंगा कि आपके साथ जो करें यहाँ पर मिलन सर। हेलो एक बार जोरदार ताली बजाओ मिलन सर। जबरदस्त इमेंसी यूपे सीख के जाओगे और साथ में एक ऐसी टेक्निक 10 सेकंड में ब्लैक पेज निकाल लेगी। कितने सेकंड में? दुर्गेश अभी आप 27 तारीख को भी गिन लो तो मेरे ख्याल से 10-11 दिन ऐसे कुछ छूट होंगे। पर आप अगर ये सोचो कि आप अगर अभी इतने टॉप 10 में हो तो यहाँ से जाने के जो 1 महीने है उसमें कैसी प्रैक्टिस होगी तो क्या करोगे आप लोग भी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? बात है लोग कि आप ना
इतना जबरदस्त रिजल्ट है, जब अपनी टेबल पे दिन रात काम करोगे तो कैसा रिजल्ट होगा? हेलो, एक बार दो गेस्ट स्टेज पे जोरदार ताली बजाओ। सबके लिए भी बोलना चाहता हूँ, आज पहले दिन ही उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर के लिए बताया था, लैपटॉप लेके, लैपटॉप पे भी हम कभी काम नहीं किए थे, तो उस टाइम पे मुझे बताया इस मोबाइल का अनलॉक कैसे करते हैं, उसका रिसेट कैसे करते हैं, उन्होंने डायरेक्टली बता दिया एकदम ईजी तरीके से, जो हम यूट्यूब पर हर बारी में देखते थे कि अलग अलग सोल्यूशन ढूंढते थे, दो दो तीन तीन घंटे डालते थे, उसके बाद भी वो काम सक्सेस नहीं होता था, तो सर ने 5 मिनट में चुटकी में उसको रिमूव कैसे करते हो बता दिया, वो कभी सोचे भी। अच्छा, दुर्गे सर की क्लास कैसी लगी भैया? अच्छी लगी भैया, एक बार दुर्गे सर के जोरदार ताली बजाओ। लास्ट सागर आ भाई, सागर तो हो चुका है, चल भाई सागर हमारे लास्ट टेन हो चुके हैं, एक बार आजा सब लोग फोटो खिंचाते हैं। तो भैया ये पहला केक मेरे पहले विनर के लिए, हेलो मेरा पहला विनर आओ भाई। मेरा दूसरा विनर कौन है भाई? मेरा तीसरा विनर कौन है? मेरा चौथा विनर कौन है? मेरा पांचवा विनर? भाई ऑल द बेस्ट, आप लोगों के साथ बहुत मजा आया, केक को शेयर करें, हेलो yes, और अपने बाकी के सीपीयू डन करके जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? क्लैपिंग। एंड थैंक यू वेरी मच। एक सोच मैं कहना चाहूंगा, और ये बहुत बड़ी सोच थी, लाइव आना, आप लोग थोड़ा मेरे को सुनिए प्लीज, लाइव आना एक अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगाना जैसा है, समझ रहे हैं मेरी बात? एशिया टेलीकॉम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो भारत में 2013 से सक्रिय है, मतलब हम बहुत पुराने हैं, फर्स्ट टाइम जो यूट्यूब चैनल की हिस्ट्री में पहला इंस्टीट्यूट लेवल पे वीडियो हमने चालू किया, हमने बहुत सारी चीज़ जो की, बहुत सारे जैसे हांगकॉन्ग का पहला शॉर्ट किलर हम लेकर आए, पटगमा फिक्स पर पहला वीडियो इंडिया में लेवल पर हमने बनाया, बोर्नियो का लेवल पर पहला वीडियो हमने बनाया, बहुत से ऐसे टूल हैं जो जिसको लॉन्च करने का मौका मुझे मिला, मिलन सर हम दोनों को साथ में मिला, UFS प्रोग्रामिंग की बात करें, MMC प्रोग्रामिंग की बात करें तो A3S का पहला CPU मिलन सर ने फर्स्ट लाइफ वर्ल्ड में फर्स्ट वार्ट CPU चेंज किया है, बस जोरदार ताली बजाओ। ऐसा नंबर वन पे अगर हम बोलते जाएंगे तो लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, आज हमारे बहुत से YouTube चैनल है, आज इंडिया की हिस्ट्री में पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके बाद दो दो यूट्यूब ट्रॉफी है, हेलो एशिया टेलीकॉम के पास में, हमारी लिखी हुई दो बुक जो पूरे 11 देशों में बिकती है पूरी इंडिया के साथ, और बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है हमारा एप्लीकेशन, जो कि 2023 की बात करूंगा तो इंडिया में टॉप 3 एजुकेटर में गिना गया क्लास पल्स में एशिया टेलीकॉम। आईफोन का कोर्स, और इसी के साथ इसी उपलक्ष में मैंने आप लोगों को एक वादा किया था, हेलो yes, आप सभी लोगों को मेरा आईफोन का कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, yes, किस किस को मिलने वाला है? सबको मिलने वाला है, और उसके साथ मेरा एंड्रॉइड का 5G अपडेटेड का कोर्स भी आपको मिलेगा। और यार देखो, एशिया टेलीकॉम एक कभी ना रुकने वाली वो गाड़ी है, कोई बात, एशिया टेलीकॉम एक कभी ना रुकने वाली वो गाड़ी है जो हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि मेरा मानना ये है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मेरे पास 24 घंटे हैं और सामने वाले के पास भी 24 घंटे हैं, तो सामने वाला मेरे से ज़्यादा क्यों पैसे कमा रहा है, वो मेरे ज़्यादा क्यों फेमस है, क्योंकि दोनों के पास 24 घंटे हैं, पर हम अपने 24 घंटे का यूज़ नहीं कर रहे ना, मैं तो भैया खुल के यूज़ करता हूँ, हेलो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आप भी 24 घंटे का यूज़ करेंगे? कौन कौन करेगा 24 घंटे का? कामयाब होना है जिंदगी में वो कर दिखाना है जो एक माँ बाप की सोच थी, और माँ बाप की सोच से बढ़कर उनको खुशी देना है, अपने घर में सम्मान उठाना है, अपने मार्केट में सम्मान उठाना है, और जिस भी काम में हाथ लगाए उस काम में इंडिया में नंबर वन होना है, हेलो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कल दुर्गेश सर की शादी है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से निमंत्रण है भैया, आप सब लोग आइए और दुर्गेश सर की शादी में, और इसके साथ हमने जो क्रिकेट मैच आज रखा था वो आज ना रखकर हम 20 तारीख को रखेंगे, हेलो और 19 तारीख को हमारा राउंड 2 होगा, जिसके अंदर हमारे 10 पार्टिसिपेट, हाथ उठाओ भाई अपने 10, ये 10 खेलेंगे एक तगड़ा मुकाबला जिसमें पहला इनाम है माइक्रोस्कोप भाई, और दो हिडन
अन्य इनाम है और ये तीनों इनाम जो दिए जाएंगे वो भारत के नंबर वन टूल डीलर रामराज एक बार इसके लिए जोड़ सकते हैं। पूरे इंडिया में मैं सिर्फ दो ही लोगों को सबसे नंबर वन मानता हूँ, एक जेडएक्स मलिक और आज वो नहीं है हमारे साथ क्योंकि वो थाईलैंड में है अभी और वो आगे वाले अपने चाइना की सीरीज में लगे हुए हैं अपने मूवी अलाइव इवेंट के चक्कर में। पर जेडएक्स मलिक हमको अगले महीने ज्वाइन करेंगे। इस महीने हमारे साथ इंडिया के टॉप मोस्ट टूल डीलर जिनका व्यवहार, जिनका सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है उनकी, उनका बैकअप सपोर्ट बहुत प्यारा है। काम हो जाने के बाद में ही इंसान की अलग पहचान होती है। हेलो काम हो जाने के बाद, काम होने तक तो सब अच्छा है, यही मेन मैटर है। मेरा मंत्र यही है, मैं अपने हर वो स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा हूँ जो 2018 में, 2017, 2016 में भी पढ़ के गया और आज भी उनको फ्री बैकअप देने के लिए तैयार हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात? और मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूँ कि आने वाले जितने भी साल आप इंडस्ट्री में हैं, मैं इंडस्ट्री में हूँ, हम साथ रहेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। कल हमारी होने वाली है जबरदस्त डैग डायग्नोस क्लास। हेलो एक बार कल के लिए जोरदार ताली बजाओ। सर केक इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? ये सिर्फ चिल्लाने वाली बात है क्या? बाकी में है या नहीं है? कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है? कौन कौन काम करने वाला है? अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से